and good morning to all of my dear students. Welcome to this video lecture with the new concept of the physics with your Kesia ma'am. So are you ready beta to study the new concept with the new examples of the topic wave motion and sound. तो जैसे कि आपको पता है बेटा, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक कौन सा था बेटा, वेव मोशन एंड साउंड, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको वेव्स मोशन एंड साउंड के केस में वेव्स किस तरीके से जनरेट होती है या वेव्स किस तरीके से होती है वो बताया था. उसके बाद में साउंड के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन देखा था, लेकिन डिटेल में अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है. लेकिन जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो तो वेव मोशन एंड साउंड ही है. फिर इस वेव मोशन में मैंने आपको वेव मोशन की डेफिनेशन से आपको बताई थी. उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स का होल कंसेप्ट मैंने आपके सामने भी रखा हुआ था. मैकेनिकल वेव्स में वाटर वेव्स, साउंड वेव्स जैसे एग्जाम्पल बताए थे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी सभी एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे थे, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो रेज वगैरह वगैरह. चलो बेटा, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा न्यू टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव मोशन. कौन सा? ट्रांसवर्स वेव मोशन. लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर द मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड, दोज वेव्स आर नोन एज द मैकेनिकल वेव्स. जिसमें हमने देखा था वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स में भी हमने आपको देख लिया, आपको बताया था कि द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर द एनी मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन. नाउ द नेक्स्ट इज वॉट? ट्रांसवर्स वेव मोशन. चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन के बारे में. देखिए, ट्रांसवर्स वेव मोशन इज दैट वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. सच वेव्स आर नोन एज द ट्रांसवर्स वेव. अब ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ. इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं. पार्टिकल्स क्या होते हैं? वाइब्रेट अलोंग वाई एक्सिस एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलोंग द एक्स एक्सिस. पार्टिकल वाइब्रेट अगर अलोंग वाई एक्सिस, देन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस. या फिर इफ द पार्टिकल वाइब्रेट अलोंग एक्स एक्सिस, देन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलोंग वाई एक्सिस. एंड यू नो वेरी वेल x and the y axis both are mutually perpendicular to each other. तो ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है, अगर पार्टिकल x axis के रिस्पेक्ट में वाइब्रेट हो रहे हैं तो उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलॉन्ग y axis रहेगा, और अगर पार्टिकल y axis के रिस्पेक्ट में वाइब्रेट हो रहे हैं तो उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलॉन्ग x एक्सिस होगा. और ये कंसेप्ट, ये फिनोमिना टर्म में आता है, हम उसी को कहते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव मोशन. नाउ एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव मोशन आर, दैट इज एग्जांपल्स आर प्लक स्ट्रिंग्स ऑफ वीना. जब हम लोग वीना वगैरह या सितार वगैरह बजाते हैं, दिख रही बेटा आप लोगों को, तो जब हम लोग वीना या सितार बजाते उस समय, बजाते समय वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स वहां पे हो रहा है और जो वेव्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं बेटा वो कौन से वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स है. कौन से वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स है. उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सभी कौन से वेव्स है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स में. ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स में यहाँ पे स्ट्रिंग में जो वेव डेवलप हो रहे हैं, जब वीणा गिटार बजाई जाती है उस समय स्ट्रिंग में जो वेव डेवलप हो रहे वो ट्रांसवर्स वेव है. उसके बाद में मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसवर्स वेव्स है. ये वाला जो कंसेप्ट आपको दिख रहा है ये वेव्स कौन से है? ट्रांसवर्स. वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अलोंग
y-axis, or vibration of particle along y-axis, propagation of direction of wave along x-axis. Is it clear? Yes or no? Yes? ओके okay. और अगर नहीं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स. उसके बाद में ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में और कुछ आपको बताना चाहती हूँ मैं. ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द क्रेस्ट एंड ट्रफ. ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. कौन से फॉर्म में बेटा? क्रेस्ट एंड ट्रफ. समझाती हूँ मैं आपको डायग्रामेटिकली. A crest is a point on the wave where the displacement of the medium is at a maximum. And a point on the wave is a trough where the displacement of the medium at that point is at a minimum. तो कैसे? चलो देखिए. डायग्राम क्लियर दिख रही है आप लोगों को? ओके. तो यहाँ पे देखिए, ये जो वेव मैंने निकाली है ये ट्रांसवर्स वेव है. कौन सी वेव है बेटा? ट्रांसवर्स वेव है. और ट्रांसवर्स वेव में ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले, कौन से बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले, इनको कहा जाता है क्रेस्ट. द पॉइंट ऑन अ वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर वाला कंसेप्ट जाता है पॉजिटिव में, नीचे वाला कंसेप्ट जाता है निगेटिव में. समझ में आ गया? तो यस, ऑब्वियस है. इसीलिए वेव्स के ये ऊपर वाले जो पॉइंट है वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, इनको कहते हैं क्रेस्ट. क्या कहते हैं? क्रेस्ट. और उसी वेव्स का ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो निगेटिव टर्म में आता है वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, इन्हें कहते हैं ट्रफ. क्या कहते हैं बेटा? ट्रफ. तो ट्रांसवर्स वेव में ये बात क्लियर हुई आपको? व्हाट इज द क्रेस्ट एंड व्हाट इज द ट्रफ? इज इट क्लियर? So first of all, again listen here carefully. The point on the wave which is at the maximum displacement is known as the crest. The point on the wave which is at the minimum displacement, which is known as the trough. Is it clear to all of you? Yes? Very good. चलो बेटा, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये किसके बारे में बताया? Transverse waves के crest and trough के बारे में. चलो. Now the next phenomena and the next wave is longitudinal wave. कौन सा wave? Longitudinal wave. अब सुनो, अभी जो just मैंने बताया वो था transverse wave where the vibration of particle is perpendicular to the direction of propagation of the wave. X and Y के बारे में बताया था. अब इसमें क्या होता है longitudinal waves में? Vibration of particle along x-axis अगर है तो direction of propagation of wave भी along x-axis ही रहेगा. वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अगर अलॉन्ग y एक्सिस है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी अलॉन्ग y एक्सिस ही रहेगा. मतलब इन केस ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल. क्या कहा हमने आपको? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल वेव, परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेव. समझ में आ गया? तो चलो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन इज दैट वेव मोशन इन विच ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मेन पोजिशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. ये बुकिश लैंग्वेज है बेटा जो हमें पेपर पे लिखने के लिए हेल्प करती है. लेकिन जो मैंने अभी आपको समझा के बताया वो सिंपल तरीके से, और वो मैंने आपको ये बताया इन केस ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी क्या रहेगा? अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी क्या रहेगा बेटा? अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो ये जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है ये किसके लिए बताया है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव. यहाँ पे भी देखिए, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन. दीज वेव्स आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. सो दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रांसवर्स वेव एंड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. मेन डिफरेंस समझ में आ गया? यस. ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव.
और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये था बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में। नाउ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज, साउंड वेव इन फ्लूड। फ्लूड का मतलब समझता है, फ्लूड का मतलब होता है द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। जो सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं उनको हम फ्लूड कहते हैं। लिक्विड भी फ्लूड में आता है और गैस भी फ्लूड में आती है। सो साउंड वेव्स इन फ्लूड आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मतलब इनको एक बात आपको ये बतानी है कि साउंड वेव इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। व्हेन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल थ्रू अ गिवन मीडियम इट प्रोड्यूसेस द कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी मीडियम से ट्रेवल करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब आप बोलोगे मैडम ये कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्या है, चलो मैं आपको समझा के बताती हूँ। जैसे मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव में क्या बताया, क्रेस्ट एंड द ट्रफ। क्रेस्ट इज द पॉइंट एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रफ इज द पॉइंट एट द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में होता है कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। तो देखिए जब पार्टिकल पास में आते हैं तो वो कहलाता है कॉम्प्रेशन, देखो कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन, और जब पार्टिकल दूर जाते हैं वाइब्रेट होने के बाद तो वो कहलाता है रेयरफैक्शन। क्या कहलाता है, रेयरफैक्शन। समझ में आ गया, कॉम्प्रेशन मतलब पास में आना, रेयरफैक्शन मतलब दूर होना। तो ये कंसेप्ट आता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में, और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या आता है बेटा, क्रेस्ट एंड द ट्रफ। ओके नाउ द नेक्स्ट, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन, सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द वेव मोशन। चलो बेटा अब हमें वेव मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग इन द मीडियम ड्यू टू द पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट दियर मेन पोजिशन। यस, वेव मोशन इज द पीरियोडिक फिनोमिना, वेव मोशन इज द पीरियोडिक फिनोमिना, बराबर है। क्योंकि जब मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस डेवलप होता है, मीडियम में क्या डेवलप होता है, डिस्टर्बेंस। अब आप बोलोगे मैम ये डिस्टर्बेंस डेवलप कैसे होता है, तो बता रही हूँ सुनो। जब मैं बात कर रही हूँ तो बात करते समय वोकल कॉर्ड से निकलने वाले वाइब्रेशन किसके ऊपर इंसिडेंट हुए, मीडियम के पार्टिकल के ऊपर। पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्बेंस की वजह से उनको मिल गई एनर्जी, और वही पार्टिकल अपनी इसी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन, एक दूसरे के ऊपर में कोलाइड होने के बाद। तो ये ही फिनोमिना चलते ही रहेगा जब तक पार्टिकल को क्या मिलते रहेगा बेटा, डिस्टर्बेंस। तो पार्टिकल को जब तक डिस्टर्बेंस मिलेगा, पार्टिकल डिस्टर्ब होते रहेंगे और एनर्जी को पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर करते रहेंगे, और ये रिपीटेड फिनोमिना है अगेन एंड अगेन, बस वही होना है। पार्टिकल गेट डिस्टर्ब ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनादर, अगेन पार्टिकल गेट डिस्टर्ब ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनादर। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन। सेकेंड, इट इज नेसेसरी दैट द मीडियम शुड पजेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। यस, मीडियम के पास इलास्टिसिटी भी चाहिए और मीडियम के पास क्या चाहिए, इनर्शिया। भूले तो नहीं इनर्शिया के बारे में, या भूल गए बेटा, अगर भूले होंगे तो याद करो। इनर्शिया, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेट्स बाय इट्सेल्फ। तो देखिए अगर मीडियम से वेव मोशन आगे जाने चाहिए तो मीडियम के पास इलास्टिसिटी चाहिए। यस, वेव मोशन में वेव्स आगे जाएंगे, कब जाएंगे आगे में, जब मीडियम में इलास्टिसिटी रहेंगी। अगर मीडियम में इलास्टिसिटी नहीं है तो वेव मोशन आगे प्रपोगेट नहीं होगे। सो इसीलिए मीडियम के पास क्या चाहिए, इलास्टिसिटी, और साथ में पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आना चाहिए या फिर मोशन से वो रेस्ट में आना चाहिए। इसके लिए मीडियम शुड पजेस द इनर्शिया आल्सो, मीडियम शुड पजेस द इनर्शिया आल्सो। ऑब्वियस है बेटा, मैं जब तक बात कर रही हूँ तब तक आपको आवाज आएगी, लेकिन अगर मैंने बात करना बंद कर दिया अब आपको आवाज आ रही है, नहीं। तो जब हम लोग बात करेंगे तब तक आपके पास आवाज आएंगी ड्यू टू द इलास्टिसिटी, ड्यू टू द इनर्शिया। जब भी मैं बात करना बंद कर दूंगी आपके पास आवाज नहीं आएंगी, अगेन ड्यू टू द इलास्टिसिटी एंड अगेन ड्यू टू द इनर्शिया। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
wave motion. Third, all the particles of the medium do not receive the disturbance at the same time. Each particle begin to vibrate a little later than its predecessor. Yes, इसका ये कहना है कि मीडियम के जितने भी पार्टिकल हैं वो सभी पार्टिकल एक साथ डिस्टर्बेंस को एक्वायर नहीं करते. सही है. जब मैं बात करूँगी होकल कॉर्ड से जब वाइब्रेशंस निकलेंगे ये वाइब्रेशन पहले सबसे पहले पास वाले पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होंगे. उनके ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वो पार्टिकल वाइब्रेट होके एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे. इसीलिए जब मैं बात कर रही हूँ तो ये वाइब्रेशन सभी पार्टिकल के ऊपर में एक साथ नहीं आएंगे. तो सबसे पहले ये मिलेंगे आजू बाजू वाले पार्टिकल्स को, फिर वही पार्टिकल उन्हीं वाइब्रेशन को नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे. यही बात इस कैरेक्टरिस्टिक्स में कही गई है. उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव मोशन देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनादर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम. यस, जब मैं बात कर रही हूँ या जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो पार्टिकल वाइब्रेट होंगे और पार्टिकल वाइब्रेट होने के बाद वो वाइब्रेशन दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे. इसकी वजह से क्या ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी. पार्टिकल नहीं, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट होने का काम करते हैं लेकिन पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट नहीं होते. तो ध्यान दो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव मोशन देर इज अ नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल बट देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल ड्यूरिंग द वाइब्रेशन. सो पॉइंट टू बी नोटेड, no transformation of particle but the transformation of the energy from particle to particle. Is it clear? Okay, now the next characteristics, the waves undergo the phenomena of reflection of wave, refraction, diffraction and the interference. Yes, wave motion in sabhi phenomena ko obey karta hai. Isme se aapko reflection aur refraction phenomena acche se pata hoga लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में शायद आपको कोई आइडिया नहीं होगी. सो डोंट वरी बेटा, जब हम लोग फुल सिलेबस की तरफ चलेंगे उस समय हम इन दो कंसेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ तक जो मैंने भी आज आपको बताया ये था बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन. और उसके पहले मैंने आपको किन दो वेव्स के बारे में बताया याद करो, रिकॉल करो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड द ट्रांसवर्स वेव. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की डेफिनेशन, उनमें आने वाले कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम क्लियर किया. साथ में ही मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन बताए. जितना भी पोर्शन आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया सबको नोट डाउन करिए, पॉइंट आउट करके रखिए. एनी क्वेश्चन एनी क्यूरीज तो कमेंट बॉक्स में डालिए. बाकी का बचा कुचा कोई भी पार्ट होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. टिल देन थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे.